मंजुला बिस्ट जन सरोकार मंच टोंक से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का की पहली संध्या है, शुभ संध्या है। आज बीता वर्ष हम लोगों ने गुजारा है, काटा है, जिया नहीं है। वर्ष हम लोगों ने काटा है, कोरोना वायरस महामारी ने इस तरह जकड़ा है हम सबको कि वो जिंदगी नहीं गुजार पाए जो जिंदगी हम लोगों ने 2020 शुरू होने पर सोचा था। मार्च के बाद तो ज़िंदगी रुक सी गई है। 2021 आ चुका है, आज पहली शुभ संध्या है। इस प्रार्थना, इस आशा के साथ कि आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, नई उपलब्धि नई आशाओं के साथ आएगा, आगे बढ़ते हैं, हमारे सृजन के रास्ते खुलेंगे, नई उपलब्धियां मिलेंगी। जो छूट गया जिन उन लोगों के लिए तो 2020 कोई या एक स्मृति दंश की तरह है, जिन्होंने अपनों को खोया है, रोजी रोटी खोई है। हाँ, अनुभव के तौर पर जरूर आया है, तो आगे बढ़ना ही स्वभाव है, हम भी बढ़ेंगे। इस उम्मीद है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, हो सब शुभ हो, बीती बुरी यादों को छोड़ के आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सबको दोबारा बहुत बहुत असीम शुभकामनाएं, सब खुश रहें। मैं इस जन सरोकार मंच मुझे जोड़ने के लिए आदरणीय राजाराम बहादुर सर वो देवेंद्र जोशी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने आज नव वर्ष के शुभ संध्या पर मुझे एक अपनी कहानी को आप लोगों के समक्ष बांटने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। ये कहानी 2019 में हंस के मार्च अंक में छपी थी। सच पूछो तो ये वो कहानी है जिसके जरिए मैं किसी साहित्यिक पत्रिका में पहली बार दर्ज हुई थी, तो ये कहानी मेरे लिए खास है। उम्मीद है आप लोगों को, आप भी थोड़ा जुड़ाव महसूस करेंगे। जो बोला गया है कि कुछ रचना कर्म के बारे में बात करूँ, हालांकि इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है लेखन का, लेकिन जितना भी कुछ एक कविताएं कुछ एक कहानियों के द्वारा मुझे मिला हुआ है। कर्म है क्या, जो जिस तरह से रचनाएं आपके सामने आती हैं वो आपका रचना कर्म होता है। हर एक लिखने वाले की तरह मेरे पास भी जगबीती और आपबीती के बीच जो अंतर्द्वंद होता है, वहाँ जब मुझे न कहते बनता है न सुनते बनता है, जो एक सिचुएशन आ जाती है लिखने वाले के पास, सबके साथ आती है। कुछ लोग कह के बांट लेते हैं, कुछ लोग सुन के बांट लेते हैं, लेकिन शायद जब ये चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो आप लिखने लग जाते हैं, उसको लिपिबद्ध करना जरूरी होता है, ताकि आपकी भाषा में जो आप बोल रहे हैं वो आपकी भाषा को समझने वाले, आपके अभिव्यक्ति को समझने वाले कुछ लोग आपके साथ जुड़े और वो एक रचना बने, आपके सामने आती है। इस तरह से रचना कर्म है मेरा। रचना कर्म सबका एक तरह से ही होता है। इस ब्रह्मांड में सीमित शब्द संसार है, हमारी ग्रहशीलता है, हमारी संवेदनशीलता है, हमने किस भाव को पकड़ा अपने यथार्थ बोध के साथ, भाव बोध के साथ एक रचना की जमीन तैयार हो जाती है। ये कहानी कैसे आई, जब लिख रही थी तब पता नहीं था कि इस कहानी का टाइटल भूख का पता होगा। लिखते लिखते पात्र जब लिखने वाले से बातें करने लगता है तो शायद वो बोल देता है कि कहानी का शीर्षक ये रखो, यही मेरे साथ हुआ। सोचा कुछ नहीं था, गाँव का जीवन मिला था मुझे बचपन में, तो वहाँ से एक घटना घटी हमारे घर पे, वो कहीं अवचेतन मन में इस तरह जम गई कि वो निकली नहीं। मैंने पहले भी बोला जग भी थी और आप भी थी, वो पुराना कुछ जमा था, फिर नया वर्तमान जो अपना नई घटनाएं घटती हैं वर्तमान में जो घट रहा था उसके साथ कुछ ऐसी कुछ चीज़ें घट रही थी लगातार, कि एक स्त्री होने के नाते शायद मुझे सबको ही ज़्यादा असर करी, ऐसा नहीं है सबको ही असर पड़ा है, शायद स्त्री हूँ तो कुछ ज़्यादा उस चीज़ को मैंने महसूस किया। तो वो घटना और इतनी सारी घटनाओं का एक जोड़ हुआ और ये कहानी आई। कैसे वैसे तरह कहानी लिख दी जैसे वेट कर रहे थे वो चरित्र मेरा, कोशिश की है कहानी के जरिए अपनी बात बोलने का। कोई ऐसी नई बात तो नहीं है, शायद सब लोग वही महसूस करते हैं, लेकिन ये कहानी के जरिए मैंने उन पलों को जिया है जो बहुत पहले छूट गया था। मेरी बचपन की यादें हैं इस कहानी में। का नाम है भूख का पता। शाम से रिमझिम बरसती बूंदों की जिन बुहारों को धरती अपने गर्भ में मंथर गति से सींच रही थी, वे अचानक आधी रात में अपना कहर बरपाने लगी थी। दादाजी के बगल वाली पलंग पर सोई आभा सामने खिड़की से आती, आंखें चौंधियाती, आसमानी चमक और उसके साथ ही बादल फटने की भयंकर गर्जना को सुनकर विचलित हो गई। दादाजी को शांत सोते हुए देख वह दबे पांव खिड़की तक पहुंची। खराब मौसम के चलते बिजली कट जाने से पूरे गांव में निस्सीम सन्नाटा पसरा हुआ था, जो उस मूसलाधार बारिश में अधिक तिलिस्म रच रहा था।
खिड़की की ग्रिल पर झूलती हुई पानी की बूंदें आती जाती आसमानी रोशनी के साये में बिजली के मध्यम बल्ब की भांति दिख रही थी। सामने आंगन की सीमा रेखा पर बनी क्यारियों में सूरजमुखी के बड़े पौधे अगर आती तेज हवा में झुककर अपना अस्तित्व बचा रहे थे तो नीचे फूलों की झाड़ियां जमीन को चूमती जा रही थी, मानो वे मिट्टी की सौंधी खुशबू को अपने वजूद में भरकर तृप्त हो रही। खिड़की के दाईं तरफ लगी हुई नारंगी फूलों से लदी बेल ताजी बूंदों का साथ पाकर निखर उठी थी। वह लगातार तेज झड़ती बारिश की गीली अंधेरी छाया में पेड़ पौधों व अदृश्य जीवों को सुनने की कोशिश करने ही लगी थी कि सामने क्यारी में किसी जीव के घुटने की चिरपरिचित टूटती आवाज बहुत नजदीक से आई, जिसे उसने दूर से बहुत बार सुना था। खिड़की के नजदीक जाकर देखना और आसमानी बिजली का चमकना, दोनों घटनाओं का घटित होना एक ही साथ हुआ। कुंडली मारी हुई दो गोल खतरनाक आंखें से झांकते हुए सामने थी के जबड़े में एक मेढक दबा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था। उफ, आज तो लगता है ईश्वर उसे सुबह से ही साक्षात मौत का नंगा नाच दिखाने की कसम ले बैठे हैं, सोचते हुए उसने आंखें कस कर मींच ली। क्या हुआ बाबू? आवाज पर वो पलटी तो पलंग पर बैठे दादाजी को उसे ही ताकता पाया। लगातार होती बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया था, वे ओढ़ने के लिए चादर खोज रहे थे। आभा ने दो मोटी चादरें निकाल दोनों बिस्तरों पर रख दी। तभी बाहर छटपटाती कराहने की आवाज तीव्र हो उठी, जैसे कसमसाती देह मौत से जल्द आगोश में लेने को कहने लगी हो, और शिकारी मौत से भरपूर मजे लेते हुए अपना समय ले रहा था। दादू, वो सांप, मेढक, आवाज जैसे कोई समाधान चाह रही थी। ये साइंस में पढ़े हुए जीवन चक्र का व्यवहारिक ज्ञान है। शाम से ही तुम दोनों भाई बहन बहुत दुखी हो, चलो अब सो जाओ बाबू, बोलकर दादाजी ने एक लंबी ठंडी आह भरी। आभा जानती थी कि वे खुद ही आज सुबह से बहुत बेचैन हैं। भला कौन संवेदनशील हृदय मानवता को शर्मसार करने वाली आम होती इन बलात्कार की घटनाओं से बेचैन वो चिंतित ना होगा। आभा ने दादाजी को चादर ओढ़ा दी। खिड़की से तेज फुहारे बहती हवा के साथ कमरे में बुरकने लगी तो आभा खिड़की के एक पट को बंद करने गई। वहां फिर मौत से लड़ती छूटती असहाय की आवाज, जैसे वो मेढक उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुका था। मदद की गुहार लगाने के लिए यथाशक्ति चीख रहा था, काश वो इसे तो बचा पाती। वो 7 वर्षीय मासूम बच्ची, उसे तो अब डॉक्टर भी शायद नहीं बचा पाएंगे। बचेगी भी तो समाज की बहती निगाहें और न्याय की लंबी खर्चीली वो जटिल प्रक्रिया उसे कहाँ आसानी से जीने देगी। क्या वो 20 वर्षीय वैशी दरिंदा भी अन्य पूर्व दुष्कर्मियों की तरह छूट जाएगा? क्या उसके प्रति भी कुछ हृदयों में मानवता बरस पड़ेगी, जिसकी मानसिक विकलांगता ने अपनी वासना पूर्ति के लिए उस मासूम की आत्मा और अपरिपक्व शरीर को बेदर्दी से रोंदते हुए उसके आंतरिक अंग तक लहूलुहान कर दिए थे? सोचती हुई आभा बहुत अशांत हो चली थी। सुबह टीवी पर इस चीखती खबर को सुनकर दादाजी ने टीवी बंद कर दिया था। वे पास खेलते आभा और उसके छोटे चचेरे भाई सलील को सहमी नजरों से ताकने लगे थे। इन बढ़ती हुई दुर्दांत बलात्कार की घटनाओं का कारण बेटों को दी जाने वाली नैतिक शिक्षा और संस्कारों के प्रति उदासीनता है, और हाथ हाथ में नेट का सहज व भरपूर उपलब्ध होना भी है। मौजूदा हालात में समाज व परिवार को बेटों को स्त्री देह का सम्मान करना सिखाना ही होगा। बदलते मानवीय मूल्य, दमघोटू बाजारवाद व घटती नैतिकता ने स्त्री देह को मात्र मांस का लोथड़ा भर मान लिया है। घबराहट में जैसे वे बड़बड़ाने लगे थे। आभा ने अपनी भागती सांसें रोककर सोने की खूब कोशिश की, लेकिन सुबह से व्यथित दिलो दिमाग अब जद्दोजहद पर उतर आए थे। बाहर बारिश का रौद्र रूप बरकरार था। बस अब वहां क्यारियों में न तो मौत का वह क्रूर आगोश था, न उससे बचने की कोई भयाक्रांत पुकार, लेकिन वहां दूर अस्पताल में मीडिया के सवालों से घिरी हुई उस मासूम का चेहरा छिपाती घबराती निरीह मां।
और असमय बूढ़े हो चुके बाप की मानसिक यंत्रणा वो लज्जा का क्या हिसाब है? वो मासूम भी कब तक मौत से लड़ेगी या जीवन भर जिंदगी से लड़ती रहेगी? हमारे समाज का एक ऐसा दोगलापन है जो दुष्कर्म पीड़िता को मुंह छिपाने पर मजबूर करता है और दुष्कर्मी को जमानत और रिहाई के साथ पूर्ववत सम्मान देता है। सभ्य शिक्षित समाज में स्त्री देह के प्रति बढ़ती हुई बर्बरतापूर्ण लोलुपता बीकॉम की छात्रा आभा का आत्मविश्वास अब डिगाने लगी थी। पीड़िता की जगह खुद की कल्पना मात्र से ही आभा भय के मारे उस ठंडे कमरे में पसीने से भीग गई। उसकी देह के भीतर दौड़ती सांसें उखड़ने लगी थी। उसने पानी की आधी बोतल गटक ली। वह चादर में मुंह छिपाकर अपने भीतर ही सिमट सी गई, मानो संसार में अपने शरीर की अकेले ही सुरक्षित घेराबंदी कर रही हो। कल्पना मात्र से ही आत्मा लहूलुहान हो गई थी। इसके आगे सोचना उसके लिए अब नामुमकिन था। वो जोरों से चीखना चाहती थी लेकिन असमर्थ थी। सामान्य होने की कोशिश में आभा ने आदर से मुंह बाहर कर अधखुले दरवाजे की ओर देखा। वहां दरवाजे से लगे बरामदे में पालतू कुत्ते भोटी के साथ बिल्ली किट्टी की धीमी आवाजें कुछ रहस्यमय लगी, जैसे दोनों मिलकर उन्हें कुछ आगाह कर रहे थे। मोबाइल की रोशनी में उन्हें देखने के लिए आभा दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आंगन में कुछ गिरने की भारी आवाज से दादाजी भी उठकर बैठ गए। बरामदे के ग्रिल से आम के पेड़ को आंगन में तेजी से बहते पानी में बिखरा हुआ देखा। दादू, आम का पेड़ टूट गया। वो रुआसी सी दादाजी के पास लौट आई। क्या करें, उसका भी समय पूरा हुआ। कल कॉलेज की छुट्टी है ना, तो सुबह सैर पर चलेंगे। बहुत साल हुए तुम्हें वाटर लिली के खिलौने नहीं मिले, कल तालाब से खूब निकाल लाएंगे। बोलते हुए दादाजी आभा को उसकी बचपन की उन गलियों में लेकर चले गए जहां वे इस बरसाती मौसम में सुबह सुबह आभा के लिए 4-5 सफेद और गुलाबी वाटर लिली तालाब से खींच लाते थे। फिर उनके सुंदर कंठहार, मांग टीका व कंगन बनाकर सोती हुई आभा के सिराने रखकर उसकी मुस्कुराहटों का इंतजार करते थे। दादी के स्नेह से अभिभूत आभा बचपन की पनीली सुगंध के लिए उतावली हो उठी। बातें करने के बाद अब भला नींद किसे आती। दादाजी निर्विकार भाव से दरवाजे को देख रहे थे, तभी बरामदे के ग्रिल खोलने की कोशिशों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। ढीले पड़े शरीर के साथ ग्रिल का सहारा लेकर खुद को संभाले हुए खड़ा था। दादाजी बोले, अंदर भी पीछे की तरफ टॉयलेट है बेटा, तेज बारिश में बाहर मत जाओ। अच्छा काका, ढकी हुई आवाज दूर चली गई। ये मांस मदिरा के बेहोश कदम थे बाबू। दादाजी की तलखी जो शाम से औपचारिकतावश दबी थी बाहर आ गई। आभा को 10 वर्षीय सलील का संध्या काल में रोता चेहरा याद आया। वो कैसे तड़प गया था जब उसके पालतू खरगोशों को इन रिश्ते के जीजाजी के कहने से चाचा जी को परोसने का इंतजाम करना पड़ा था। बिगड़ते मौसम की वजह से बाजार से चिकन लाना असंभव जो था। आभा को घर के सभी लोग और सारी सृष्टि सोती हुई दिख रही थी, बस एक वही जाग रही है। बाहर बरामदे में पुआल के बने बिस्तर पर उसका प्यारा भोटी भी जाग रहा था, जिसे पूरा घर चौकन्नी निगाहें देकर सुकू से सोता था। कुछ देर पहले वो भी न जाने क्यों बहुत बेचैन महसूस हुआ था। वो इन्हीं विचारों से लिपटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी कि बाहर खरगोश के लकड़ी के बॉक्स नुमा घर से कूदने की आवाजें आने लगी। उसने मोबाइल में समय देखा तो 2 बज चुके थे। वो सुबह से मिल रहे कटु अनुभवों को भूलकर अनायास ही मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे मालूम था कि कल सुबह बॉक्स में क्या मिलेगा। गुलाबी सफेद रुई के फाहों से एहसासों के बीच बंद आंखों के साथ घुटमुट हुए खरगोश के कुछ नवजात शिशु। उसे सोचकर ही गुदगुदी होने लगी कि सलील उन्हें देखकर कितना खुश होगा। शायद वह आज शाम की हत्या भूल जाएगा। उसे ध्यान आया कि सलील जो मांस खाने का शौकीन है, उसने आज उसके साथ शाकाहारी भोजन खाया था। और भोटी ने तो कुछ देर के लिए मांस से लिपटी हुई हड्डियों को छोड़ भी दिया था। शायद उसे अपने साथ खेले हुए साथी की गंध आ रही थी, जो मसालों की सुगंध में कुछ दब रही थी। ओह, यह सब उसे सोने नहीं देगा। वह इन सब से ध्यान हटाकर आने वाली सुबह की तरोताजगी में खुद को सराबोर करने लगी।
इसी कल्पना में ही वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह दादाजी ने आभा व सलील को सैर के लिए जगाया। बारिश थम चुकी थी। वे दोनों भाई बहन उत्साह से तैयार होने लगे। तभी आंगन से दादाजी ने उसे जोर से पुकार लिया, जो उस नीरवता में चीख ज्यादा लगी थी। वे दोनों भागते हुए उनके पास पहुंचे, जो अपनी अनुभवी निगाहों से खरगोश के बॉक्स के सामने खड़े हो रुई के फावों को खोज रहे थे। बच्चे कहाँ गए? तब तक घर के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके थे। वे सब माँ खरगोश की अकुलाहट भरी कूद को देख रहे थे। पापा का ध्यान उस बॉक्स की स्थिति की तरफ गया, जो रात में गलती से बरामदे के छोर पर पूरा अंदर की तरफ नहीं रखा गया था। बॉक्स के दरवाजे के पास का छेद बाहर आंगन की ओर था, मतलब रात को बच्चे पैदा हुए और नीचे पानी से भरे आंगन में गिर गए। हे ईश्वर, अब सलील कहाँ है वो? उसने घबराकर सलील को देखा। वो पापा की कमर से लिपटा हुआ अविश्वास से इधर उधर देख रहा था। तभी दादाजी का ध्यान बॉक्स से कुछ दूरी पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए भोटी पर गया। आज सामान्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे तो इस समय पूरी रात पहरेदारी के बाद छत पर गहरे नींद में सोते हुए मिलना था। दादाजी उसे विस्फारित नजरों से घूरते हुए बुदबुदा उठे, कहीं इस भोटी ने तो बच्चों को रात को उसे घर के पालतू का मांस क्यों खाने को दिया? याद रखना चाहिए था कि वो घुसपैठ करती मुर्गी और बिल्ली तक को मार चुका है। अब दृश्य बदल चुका था। आभा का प्यारा भोटी क्रूर अपराधी शरीखा घोषित था, जो दादाजी उसे इंसान सा समझदार कहते थे, वही उसके लिए शोभ वो शंका से भर उठे थे। भोटी सबकी तरफ नरमी वो उम्मीद से देखता हुआ पूछ हिला रहा था। आभा का दिल उसे निर्मम हत्यारा स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिर भोटी इन खरगोशों के साथ बरसीम के खेत में खेलते हुए उनकी रखवाली भी करता है। वह तो इन्हें कभी भी नियत क्षेत्र से बाहर तक नहीं जाने देता है। फिर उसे कल रात क्या हुआ होगा? शायद पालतू जानवर के मांस का स्वाद उसे डिगा गया हो। आखिर है तो जानवर ही, अब हम इंसान भी कहाँ इंसान रह गए हैं जो यह जानवर अपनी मूल प्रवृत्ति को रोके। खिन्न दिखते दादाजी चश्मा ठीक करते हुए आभा को चलने का इशारा कर अपने कमरे में चले गए। चाची भारी मन से मेहमान के साथ भेजे जाने वाला सामान बांध रहे थे। दादी जीजाजी को तिलक लगा रही थी। चाचा जी कार को साफ करते हुए रुक गए। वे दादाजी के थके कदम देख रहे थे। आभा अब तक भोटी को एकटक देखे जा रही थी। सलील माँ खरगोश के बॉक्स पर कूनी रखकर बहुत उदास बैठा था। लग रहा था कि अब रोया कि तब रोया। आभा को उसे देखकर वो मासूम याद आ गई, जो अथाह भरोसा लेकर उस अजनबी अंकल के साथ चॉकलेट के लालच में हमेशा के लिए भरोसा खोने के लिए चल दी थी। तो क्या आज सलील का भी भरोसा टूट जाएगा? तभी उसे ध्यान आया कि उन्हें तो सैर पर जाना है। उसने जाने से पहले भोटी को देखा। उसने नजरें मिलते ही अपनी गर्दन अपने शरीर की तरफ पीछे घुमाना शुरू किया। आभा को लगा कि वह यह वफादार जीव शायद अपने कृत्य पर शर्मिंदा हो। इसे बेशर्त प्यार करना चाहिए। आभा ने जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो भोटी ने अपना मुंह उसके हाथ पर रख दिया। वह उसके साथ अक्सर ऐसा करता था, लेकिन उस पल वह बिल्कुल अलग था, जैसे वो मूक जानवर कुछ कहना चाह रहा हो। पर मौजूद माँ खरगोश अब अधिक अधीर हो चली थी। भोटी उसे देखते हुए धीरे धीरे खड़ा होने लगा। किट्टी बिल्ली भी भोटी को सूंघती हुई गोल गोल घूमती जा रही थी। आभा को बीती रात की उन दोनों की रहस्यमयी आवाजें याद आने लगी। वह असमंजस में थी, बेचैन हो दूसरी तरफ देखने लगी। तभी खड़े भोटी ने अपना मुंह उसकी पीठ पर बिखरे बालों पर जोर से रख दिया। बालों की खींचन से बचने के लिए जैसे ही वो पलटी, सामने भोटी के बिस्तर पर चार रुई के फाये भूख से कुनमुनाते हुए थे। अपने अंश की दबी हुई खुशबू सूंघते रहना एक माँ के लिए असहनीय हो चला था। उसने बॉक्स के दरवाजे पर तेजी से पिछले पैर ठोंकने शुरू कर दिए। दादू! पूरा आंगन आभा की हर्ष मिश्रित आवाज से गूंज उठा। आभा ने फटाफट बच्चों को ले माँ को सौंप दिया और भोटी को गले लगाते हुए बेतहाशा चूमने लगी। सभी लोग ये देखकर अवाक थे। दादाजी ने भोटी के अगले पैर को, जो आभा के कंधे पर था, उसे अपने माथे पर लगा लिया। वे भावुक होकर बोल पड़े, कौन है तू? कौन है तू?
तूने ये सब आगे गला रुध गया। वे चश्मा निकाल कर रुमाल से आंखें पोंछने लगे। इसका मतलब भोटी ने कल रात आंगन में गिरे बच्चों को मुंह में रखकर पहले अपने बिस्तर पर रखा, फिर पूरी रात अपने शरीर की गर्मी उन्हें देता रहा, खाया भी नहीं। ये आवाज जीजाजी की थी। हाँ बेटा, क्योंकि इस जानवर को अच्छी तरह पता है उसे कब कहाँ और किसे खाना है। हम इंसानों से इसकी भूख कम और समझदार ज्यादा है। हम इंसानों ने तो अब अपने ही लोथड़ों को कुतरना शुरू कर दिया। दादाजी भोटी का सिर गोद में रखकर उसे थपथपाने लगे। गुबार को रोकने की भरसक कोशिशें अब नाकाम साबित थी। आज तक कभी सुना है कि किसी जंगली जानवर ने भी कोई बलात्कार किया है? वो भी सोची समझी गई रणनीति के तहत, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य व शर्मनाक अपराध? उनके शरीर व पेट को अपनी भूख का पता हम इंसानों से ज्यादा व सही तरीके से मालूम होता है। उनकी भूख आज भी प्राकृतिक और संतुलित ही है। रुधे गले व झुकी हुई गर्दन के साथ दादाजी ने घर की बहुओं से नजरें चुरा ली। सारे खरगोश भेज दो, दादाजी ने भोटी को थपथपाते हुए उठने का इशारा किया। वो जीजाजी से विदा लेकर शेर पर निकल पड़े। बाबा ने जीजाजी को प्रणाम किया, जो भोटी को अविश्वास से देखते हुए अचानक आई डकार को रोकने के प्रयास में बेबस हो चले थे। लबालब पानी से भरे खेतों के बीच चौड़ी मेड़ पर चलते दादाजी के पीछे सलील और आभा थे। सबसे पीछे भोटी था, जो पानी की तेज आवक के चलते खेतों के ऊपर से तैरती मछलियों वो अन्य जलीय जीवों की गंध को सूंघता हुआ सदे कदमों से झूमता हुआ चला जा रहा था। इंसानी भूख में अब नए नए स्वाद व उत्तेजक हिंसक मनोरंजन को जोड़ दिए जाने से भूख के सही पते खोने लगे हैं। सोचती हुई आभा भोटी के गले में बंधे काले पट्टे को देखकर शर्मिंदा हो उठी। पता नहीं इंसानों की गाली में कुत्ता शब्द क्यों इतना सहज आता है, जबकि वो तो इंसानों की बस्ती में सर्वाधिक स्वामी भक्त अनुशासन के जानवर के रूप में विश्वविख्यात है। कहानी समाप्त हुई। भूख का पता कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि इस कहानी में एक रियल इंसिडेंट है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं 9th में पढ़ती थी, हमारे पास एक भोटिया ब्रीड का डॉगी था, उसका नाम भोटी, जो इसमें कहानी में आया हुआ है। ये खरगोश के बच्चों को बचाने की जो घटना थी वो हमारे घर पे वास्तव में घटी थी। बारिश का मौसम था, इसी तरह से बॉक्स रखा गया था गलती से, उसका जो दरवाजे के सामने होल होता है वो आंगन की तरफ आ गया था। बहुत तेज़ बारिश थी उस रात, और सुबह जब हम लोग उठे, क्योंकि हमको मालूम था कि खरगोश के बच्चे कभी भी पैदा हो सकते हैं, तो हम रोज़ सुबह देखते थे कि बच्चे कहीं नीचे तो नहीं गिर गए छेद से। तो ये घटना हमारे साथ रियल में घटी है। और दादाजी जिनको मैं बूबू बोलती थी, वो बहुत इमोशनल हो गए थे। तो इस कहानी का जो इस भोटी का रोल था, वो जब इस तरह की घटनाएं घटने लगी कुछ समय से, बताने की क्या, याद करने की भी शायद हम लोग को ज़रूरत नहीं है। निर्भया कांड हो या रोज नए नए नाम से कुछ नहीं होता है, बच्चियां हैं स्त्रियां हैं वही सबसे बड़ी बात है। नाम और जगह तो मैं भूल जाती हूँ, बस बच्चियां, ये जो जघन्य अपराध हो जाते हैं वो दिमाग में रह जाते हैं। तो इन दोनों ने आपस में क्लैश किया, जैसे मैंने बोला था आबिति और जगबीति का जो समन्वय है वो रचनाक्रम बन जाता है। इस कहानी का भी मूल यही था। मैं अपनी बात अपना संदेश पहुंचा पाई हूँ। हम लोग कहते ही हैं कि हम इंसान सबसे बड़े जानवर हो गए हैं, तो वो इस कहानी का मैं जो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, मैंने अपने बचपन की, ये बचपन तो नहीं था, 9th क्लास के यादों के साथ मैंने इसको लिखा है। मुझे कहानी पसंद आई होगी। कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।